गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान देना क्योंकि आगे आप 9th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो समझो अच्छी तरह से क्या है। क्या होता है, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जीरो है, जीरो से लेके एक्स तक ये मेरा पॉजिटिव है, जिसको मुझे हिंदी में भुज बोलते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इसको ये यहां से लेकर यहां तक इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये पॉजिटिव में आता है, ये मेरा नेगेटिव में आता है। जैसे इधर मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5 ये मेरा होता है वाई एक्सिस होता है। तो यहां से लेकर यहां तक मेरा पॉजिटिव में होगा और यहां से लेकर यहां तक में वो मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये मेरा भुज होता है हिंदी में, ये मेरा होता है कोटि, और ये मेरा होता है मूल बिंदु, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आता हो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या क्या चीजें बताया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, जो इस तरफ लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है और वर्टिकल लाइन ऐसे होती है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल होता है स्ट्रेट लाइन। और ये क्वाड्रेंट के बारे में बात करो, चतुर्थांश होता है, ये मेरा पहला चतुर्थांश है जिसमें पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव आएगा, और 1, 2, 3, 4 लिख दिया मैंने, 5 ग्राफ पेपर में लिखोगे उसमें डिस्टेंस सेम आएगा। ये रफली आपको समझा रहा हूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, सॉरी ये थर्ड है, ये क्या है, थर्ड है, दोनों फोर्थ कैसे हो जाएगा, थर्ड है, ये आपका माइनस और माइनस आएगा। ये क्वाड्रेंट 4 होगा, ये -1, -2, -3 लिखा हुआ है, इसमें मतलब पहला आपका पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, पहला पॉजिटिव और दोबारा नेगेटिव, ठीक है। अभी आपको एक क्वाड्रेंट में बता रहा हूं, मुझे बताने की कोशिश करें। और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी कोऑर्डिनेट होता है ये, देखो एक्स जीरो, क्या होती है एक्स जीरो। अगर मैं कहूंगा इसकी कोऑर्डिनेट बताओ बेटा, 9 हो जाएगा, 3 और 0। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 और y। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या हुआ बेटा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर जो भी होगा ना, एक्स तो जीरो होगा, तो इसलिए पहला वाला एक्स होती है, दूसरा वाला वाई होती है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु ऐसे और ऐसे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 और 5। ये 5 5 को मैं कोऑर्डिनेट बोलूंगा, निर्देशांक बोलूंगा, लेकिन ये जो 5 जा रहा है वो मेरा एक्सिस है, भुज है, ये मेरा 5 आ रहा है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। मैं एक दूसरा बना रहा हूँ ऐसे, और सपोज ऐसे आएगा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, पहले एक्स में जाओ 7, फिर वाई में जाओ 2। तो जो भी कोऑर्डिनेट होता है पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा, ये एक्स के लिए एब्सिसा होता है, वाई के भुज होता है, या उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों पॉइंट मिलकर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। अभी मैं कुछ चीजें बता देता हूं, आप देखो इसमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने 0 और 0। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 3 और 2 कौन सी कोऑर्डिनेट में आएगा ना, फर्स्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। -3 और 2 किसमें आएगा ना, -3 और 2 सेकंड में आएगा। 2 और -3 किसमें आएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चौथा चतुर्थांश। अगर मैं कहूंगा -2 -3 किसमें आएगा ना, वो थर्ड में आएगा। अगर मैं कहूंगा 3 और 0 कौन सी में आएगा, देखो पहला एक्स और दूसरा जीरो, तो एक्स जीरो एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर मैं कहूंगा 0 और 4 किसमें आएगा ना, ये 0 और y आ रहा है, ये मेरा वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, किसमें आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट आपको पूछेगा, और कौन सी क्वाड्रेंट पूछेगा या एक्सिस पूछेगा आप कर सकते हो, ठीक है। और दोबारा क्या है इसमें, देखो आप, मैं कुछ और बता रहा हूं, जैसे ये आपका -3 का 2 क्या हो गया, ये -3 का 2 मैं पूछूंगा इसकी, ये जो पॉइंट है इसकी ऑर्डिनेट क्या है ना, वाई वाले को लोगे, ये आपका 2 हो गया। मैं कहूंगा -3 का कोऑर्डिनेट, सॉरी इसकी एब्सिसा क्या है ना, ये आपका -3 है। तो आप समझ, इस वीडियो में आपने क्या देखे अभी ना, कौन सा एक्स एक्सिस पे आएगा ना, जिसमें पहला एक्स और जीरो होगा, कोई भी पॉइंट माइनस में, ये एक्स में माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, वो एक्स एक्सिस पे आएगा। कौन सा वाई एक्सिस पे आएगा ना, 0 और y, फर्स्ट 0 और सेकंड में कुछ भी हो, प्लस माइनस हो, तो वाई एक्सिस पे आएगा। इसके बाद क्वाड्रेंट की बात आएगा, दोनों प्लस है इसमें है, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पहला प्लस सेकंड प्लस है तो वो फोर्थ है। तो आपको क्या बताया गया, कौन कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा,
इसकी थोड़ा सा और वीडियो बना रहा हूं, तो आपको मैं बताऊंगा उसको एब्सिसा उसके ओरिनेट कोऑर्डिनेट सब बताऊंगा मैं इस फिगर में, मैं आपको बता रहा हूं ठीक है। देखो देखो बेटा, प्लॉट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, ये आपका ए बी सी डी दे दिया, तो आप ये पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव लिखोगे, ये ग्राफ पेपर में बनाना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, गलत चीज है, या माइनस वन सेम गैप में लेना है, ग्राफ पेपर में आपको प्रैक्टिस करोगे एक बार, ग्राफ पेपर आप उसको जो लाइन होती है लाइन के हिसाब से आपको नंबरिंग करना होता है, इसमें आपको माइनस लेना पड़ता है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ठीक है। ए दे रखा है 0.4, तो देखो एक्स में आपका 0 है वाई में 4, तो ये जो पॉइंट्स हुआ इसको मैंने माना 0 और 4, ये मेरा ए। बी दे रखा है -1, 3, तो इधर से -1 लेंगे 3, ये देखो इधर से -1 आप ले रहे हो इस ग्राफ पेपर में 3, ये जो पॉइंट हो गया इसका मतलब हो गया मेरा -1 और 3, ये मेरा बी। सी आ जाओ -6, -2, देखो -6 इधर आ गया और ये मेरा -2 है इधर आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये -6, -2, इसका नाम दे दिया सी। डी दे रखा है 3, -4, +-, तो +-4 में आएगा, तो ये मेरा 3 ले लो बेटा एक्स एक्सिस पे, इधर -4 ले लो, ये मेरा हो गया 3-4, इसका नाम मैंने डी दे दिया। ई हो गया 5-1, तो वही प्लस और माइनस में वही सेम चीज है, इसमें और इसमें आ गया, इसका नाम मैंने लिखा 5 और -1, और ये मेरा हो गया ई, इस पॉइंट का नाम ई। उसके बाद 3, 2, तो दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा इधर 3, इधर 2, पहले एक्स फिर वाई, तो 3 और 2, इसका नाम हो गया एफ। फिर जी हो गया 5, 0, देखो एक्स एक्सिस पे 5, 0, तो ये मेरा हो गया 5, 0, और उसका नाम दे दिया मैंने जी। एच हो गया 5, -2, लो फिर आप आ जाओ, ये 5 है और -2 इधर है, तो ये ज्यादा खिचखिच हो गया, ये हो गया 5, -2, 5, -2, ये मेरा हो गया एच। तो ये सभी को कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ये मेरा वाई एक्सिस पे होगा और ये मेरा एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये एक्स 0 को स्पेसिफाई कर रहा है, ये 0 और वाई को। इसके अलावा मैंने आपको बना केस में दिखाया कैसे आप प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आपका ड्रॉ द ग्राफ में आपको यूज होगा, तो केयरफुल इसको आप बनाइए कि प्लॉट करना कैसे, पहले एक्स में लेना है और बाद में वाई में लेना है ठीक है। इसमें मैं आपको प्लॉट करके एक्सिस और ऑर्डिनेट पूछ रहा हूं नेक्स्ट में इसमें ठीक है बेटा। देखो आंसर क्या है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ऑर्डिनेट ऑफ सी, इसका मतलब वाई को मैंने ऑर्डिनेट बताया, एक्स एक्सिस पे मैंने एक्सिस बताया, और दो बिंदु होगा उससे कोऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां ढूंढो बेटा, सी इसमें ना सी आपको दिख रहा है कहीं पे, ये देखो ए इधर बी और सी कहां है इसमें, सी के लिखा हुआ है सी इधर है बेटा, तो सी का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, इधर वाला एक्सिस होता है इधर ऑर्डिनेट है, इसका पूरा नाम होता है 3-4, और ऑर्डिनेट के लिए केवल सेकंड वाला वाई वाला, तो ऑर्डिनेट ऑफ सी कट हो जाएगा आंसर -4, क्लियर हो गया। फिर बी में आओ, एक्सिस ऑफ बी मतलब एक्स से कितना दूरी है, ये -4 का 3, ये एक्सिस होता है ये ऑर्डिनेट है, तो एक्सिस ऑफ बी का कितना -4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा -4। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आप इसमें से ए ढूंढो, ए हो गया, ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई दोनों जाएगा, पहले एक्स का आएगा 0, वाई का आएगा 7, तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 7। ऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब हो गया पहले आप लिखो x फिर y, और ऑर्डिनेट का मतलब y का लेना है, y का तो 0 है, तो ऑर्डिनेट ऑफ x का हो गया 0। एब्सिस ऑफ d, d मेरा बेटा इधर है, और d पॉइंट में मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7 का 8, ये मेरा एब्सिस, ये मेरा ऑर्डिनेट, ये मेरा भुज है, ये मेरा कोटी है, और पूछा क्या है d का भुज पूछा है, एब्सिस पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 7। f का कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट 5, 0, इसका लिख दो 5, 0, कोऑर्डिनेट में दोनों लिखते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ जी, जी ऑर्डिनेट पूछा है, तो वाई में डिस्टेंस लिखो, इसका हो गया 2 का 5, और ये एक्सिस है, ये ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट 5, तो मैं लिखूंगा इसका आंसर 5। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का ऑर्डिनेट ये होता है मेरा 0 का 2, ये ऑर्डिनेट सेकंड वाला होता है, तो आपका हो गया 2। एक्सिस ऑफ ई, ई का एक्सिस ई पॉइंट होता है -3 का -5, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया ऑर्डिनेट, एक्सिस पूछा है तो आपका -3, तो ई का एक्सिस हो गया -3। तो देखो मैंने आपको कैसे बताया, ये दोनों को पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेट होती है, पहला वाला एक्सिस है दूसरा वाला ऑर्डिनेट है, तो ऐसे आप जो 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 पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया, किसका ऑर्डिनेट पूछा किसका कोऑर्डिनेट पूछा, तो आप देख लिए। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आएगा,
तो आप अच्छी तरह से अपनी क्लास की जो चैप्टर, आपकी जो चैप्टर जो है वो आप कर सकते हो। बाय बेटा।